फिर अपने दोस्तों क्वेश्चन आप सामने, एसएससी रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए कि आपके एसएससी, एमपीपीएससी, रेलवे बोर्ड, पटवारी एग्जाम, टीचर्स एग्जाम, बैंक पीओ, किसी भी एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाला। तो दोस्तों एग्जाम में आपको टाइम तो मिलेगा नहीं, एक सेकेंड में आपको आंसर देना होगा, यानी कि आपको 30 सेकेंड मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए। कितने मिलेंगे? 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में आपको इसका आंसर कैसे देंगे आप? देखिए यहाँ आपको लग रहा है 30 सेकंड में आंसर आप कैसे देंगे, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ये आपको अगर यहाँ 856 प्लस 167 और का स्क्वायर है, 856 माइनस 167 का स्क्वायर है, यानी कि ये a प्लस बी का स्क्वायर और ये a माइनस बी का स्क्वायर है। फिर यहाँ ये संख्या और संख्या डबल आ रही, मतलब ए स्क्वायर है ना, और ये फिर आ रही मतलब बी स्क्वायर। तो आप एक सेकेंड में किसका इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों अगर इसको इस संख्या से नहीं हल करते हुए, इस संख्या से नहीं हल करते हुए ए प्लस बी से हल कर ले, तो अगर इसको अपन ए मान लें, इस चीज़ को अपनों ने क्या मान लिया ए, और इस संख्या को मान लिया बी, यानी कि 856 को ए मान लिया, 167 को बी मान लिया, तो ये क्या होगा दोस्तों? ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये होगा ए माइनस बी का स्क्वायर, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी है। अब इसका अगर स्क्वायर खोलें तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसका खोलें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये से ये कट गया, माइनस से प्लस कट गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डबल है, ये भी दो है, नहीं ये भी दो है, तो दो कॉमन ले लिया अपनों ने और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लिया, तो नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इससे कट गया, बच्चा कितना? दो। तो आपका आंसर दो आ गया, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। कितने सेकंड में आंसर आ गया? अगर ये आपका एक शॉर्टकट तरीका था, अगर इस संख्याओं को वर्क करते ना हल करते, तो आप कितनी बड़ी संख्या वर्क करने में आपको काफ़ी समय लग जाता और आप आंसर भी नहीं दे पाते। तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो ए प्लस बी, ए माइनस बी में उसको बदलिए और मान लीजिए कि ये है ए है और ये बी है, तो आप एक सेकंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना।